हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो त्यौहार हमारे चल रहे हैं और अब दिवाली आने वाली है, तो उसी को लेते हुए मैंने भगवान जी का एक सिंहासन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कलरफुल पॉकेट के फैब्रिक और लेसेस हैं तो बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले बेस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, इसको डिज़ायर साइज़ के में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रोकिट के फैब्रिक, और आपके पास जितना कलरफुल हो वो और अच्छा है। तो यहाँ पे फैब्रिक को सबसे पहले मैं आयरन करके रेडी कर लूँगी, क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट पेस्ट करना है। आयरन हो जाने के बाद अब हम सबसे पहले रेडी करेंगे ये फ्रिल, जिसके लिए पहले इसको अच्छे से फिनिशिंग देनी है। अब टॉप और बॉटम साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है, क्योंकि यहाँ से थ्रेड्स ना निकलें और जो हमारा फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आए। तो इस तरीके से मैंने इसको फिर से आयरन करके रेडी कर लिया। अब यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट साइजेस के गोटास लगा रही हूँ, और आप जितना चाहें उतना कलरफुल इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे बॉक्स को कवर करेंगे, जो बेस है। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है ब्रॉकेट का, उसको 2 लेयर्स में किया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी ना रहे और अच्छे से बॉक्स कवर हो जाए। सो फैब्रिक को अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, जिसको कि बहुत अच्छे से गर्म होने देना है। आप चाहें तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम लेता है और कई बार उसके स्पॉट्स भी रह जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा बेस रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे जो मैंने फ्रिल रेडी किया था वो हम अटैच करेंगे। तो ये बॉक्स के सिर्फ 3 ही साइड अटैच करना है, और इसको भी मैं डायरेक्ट हॉट ग्लू गन से अटैच कर रही हूँ। तो एक बार आप लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इक्वली 3 पोर्शन में डिवाइड कर दें, ताकि आपके फ्रिल्स जो हैं सब में लगभग बराबर जैसे आएँ। फ्रिल लगा दिया। अब नेक्स्ट मैं इसके ऊपर और इसको डेकोरेट करने के लिए और लेस ऐड कर रही हूँ। जब हमने इसमें फ्रिल्स या प्लीट्स डाली थी तो एक थिकनेस आ गई थी, काफ़ी मोटा हैवी हो गया था, तो उसको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने इस लेसेस को एज आ चौड़ाई बढ़ा के इसकी इस तरीके से मैंने कर दिया, और अंदर की तरफ पूरा अच्छे से प्रेस कर दूँगी। तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएंगी, अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ी सी गहराई और अनफिनिशिंग वाला आ रहा था। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये एक ही बार होता है, दोबारा इनमें मेहनत नहीं हो पाती है। तो अब हम नेक्स्ट रेडी करेंगे बैक पोर्शन। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे वुडन हूप लिया है, ये मेरे पास ऑलरेडी था, और आप चाहें तो जहाँ पे आपको स्टिचिंग के थ्रेड सब कुछ मिलते हैं वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और इसको कवर करने का जो मेथड है, आई होप आपको ये हेल्प करेगा। कपड़े को अच्छे से आयरन कर लें पहले, और उसके बाद इस तरीके से कट कर लें, और बस इस तरीके से मैं कर रही हूँ, उस तरीके से आप बहुत आराम से करें, तो आपका ये बहुत अच्छी सी फिनिशिंग देगा। फैब्रिक से कवर कर दिया, अब हम इसको और डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इसके बाउंड्री में इस तरीके से लेस अटैच कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमारा बेस रेडी हो गया, हमारा बैग भी रेडी हो गया। अब हम जहाँ पे लेस का जॉइंट आया था उसको नीचे कर देंगे, ताकि वो छुप जाए, और हॉट ग्लू गन को बहुत अच्छे से गर्म करना है, और उसके बाद इस तरीके से आप इसको अटैच करें, प्रेस करें, और आपका ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। सो अब हम इसको और डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड लीव्स लिए हैं। ये आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप में, स्टेशनरी शॉप में बहुत ईजीली मिल जाएगा।
सो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी मैं इस तरीके से लेस अटैच कर दूंगी और इसको मैं हॉट ग्लू गन से अटैच करने वाली हूँ। आप चाहें तो पहले स्टिचिंग कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने स्टिचिंग की थी। अब यहाँ पे क्योंकि ये बॉक्स है जिसका कि डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इस तरीके से इसमें अटैच करूँगी लेस, जिसके पहले इस फैब्रिक को एज अ प्लीट जैसे आ रखे हैं वैसे हॉट ग्लू गन से कुछ कुछ जगह पर हमें इसको फिक्स कर देना है। तो ये हमारा सिंहासन रेडी हो चुका है, ये अभी इतना सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट मैं इसमें लास्ट ऐड कर रही हूँ ये फेरी लाइट, जो कि आपको लोकल मार्केट अमेज़ॉन सब में बहुत इजीली मिल जाता है। और इसमें बैटरी ऑपरेटर होता है तो आप बैटरी चेंज भी कर सकते हैं। तो बस इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हॉट ग्लू गन से पूरा अच्छे से हमें इसको फिक्स कर देना है और हमारा जो सिंहासन है वो बहुत इजीली बहुत अच्छे से एक अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। सो लास्ट अब हम बनाएंगे आसन भगवान जी का, जिसके लिए मैंने सिंपल दो ब्रॉकेट के फैब्रिक लिए हैं और इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि यहाँ से थ्रेड्स ना निकले। नेक्स्ट जो फैब्रिक है उसमें हम कुशन्स बनाएंगे, तो इस तरीके से बस आपको दो साइड में स्टिचिंग कर देनी है जिसमें से हम थ्रेड्स पास करेंगे। तो ऐसा दोनों पीस में करना है क्योंकि यहाँ पे दो कुशन्स बना रहे हैं हैंड्स रखने के लिए। सो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे एक गोल्डन लेस से, तो चारों तरफ से लेस लगा देनी है और ये जो मैंने पोर्शन रेडी किया था इस तरीके से बस स्टिचिंग से स्टिचिंग पॉइंट तक स्टिच करना है और उसके बाद इसको सीधा कर देंगे हम। तो ये इस तरीके से हमारा जो बैठने के लिए है वो रेडी हो चुका है और अब इस तरीके से हम कुशन रेडी करेंगे। तो इसको बस हमें सीधा कर देना है और इसमें फिलिंग करेंगे, कॉटन से फिलिंग कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो कोई भी छोटा मोटा जो कपड़े का स्क्रैप्स होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमें थ्रेड बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आता है उसको यूज़ कर रही हूँ मैं और इसको विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन मैं इसको पास करूँगी यहाँ पे और इसमें एक नोट बांध दूँगी और हमारा जो कुशन्स है वो भी रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो अब देखते हैं कि फाइनल लुक के सब एक साथ कैसा लग रहा है। सो ये था आज का एक छोटा सा DIY। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा और एडवांस में आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।